मेहता का उल्टा चश्मा। दादाजी आप भी कुछ सुनाइए ना। अरे नहीं नहीं बच्चों, तुम लोग मजे करो, मैं घर जाता हूँ। पप्पू जी, मुझे पता है आपको सुनाने का बहुत शौक है। कविता कविता सुनाइए ना। हाँ चाचा जी सुनाइए ना, आपके शब्दों में आपके अनुभव का निचोड़ सुनने मिलेगा। अजय ठीक है। तो सुनिए। वाह वाह बापू जी वाह। अरे ये देखिए शुरू तो कर लेते। मतलब लेकिन कच्चे हैं। अरे चाचा जी कच्ची हो या पक्की हो आप सुनाइए ना, यहाँ पे कौन कवि है जिसको समझेगा वो कि मतलब मेहता साहब को छोड़ के यहाँ पे कोई कवि है नहीं जिसको समझेगा, तो आप सुनाइए बिल्कुल कच्ची सुनाइए। अरे भिंडी मास्टर कच्ची नहीं कच्ची कच्ची कविता कच्ची में। ओ कच्ची में। अच्छा मतलब भिड़े कच्ची भाषा की बात कर रहे हैं। सुख दुख तो अचदा रोंदा पण पाण पांजी मस्ती में रोंदा सी। हे वाला राम मणे खपे मणि के पण असा के मळ्यो तेंजो पाड़ तोजो मंदा सी। वाह वाह बापू जी वाह 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 वाह। चाचा जी ये हिंदी में थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। हाँ मैं हिंदी में समझाता हूँ। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि सुख दुख तो आते रहेंगे लेकिन हम हमेशा अपनी मस्ती में रहेंगे। हे मेरे प्रभु सबको सब चाहिए लेकिन हमें जो आपसे मिला है उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। बहुत गहरी बात कहती बापू जी ने। हाँ जेठिया हाँ। चलो अभी मैं घर जाता हूँ। नहीं नहीं दादाजी आप इतनी जल्दी मत जाइए ना। अरे बेटा देख मैं थोड़ा थक गया हूँ और मैं जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है ना। सही बात है चाचा जी, अच्छी नींद लेना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। नहीं ऐसी बातें तो भी हम सब चलते हैं होगी नहीं। ओ एक मिनट ही जा रहा हूँ, मैंने भी चार लाइना बोलनी है। चाचा जी और तुसी मेरी कविता सुन के ही जाना। अच्छा ठीक है आजा आजा। थैंक यू जी थैंक यू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मालिक की गाड़ी ड्राइवर का पसीना, मालिक की गाड़ी ड्राइवर का पसीना और रास्ते पे चलती है बनकर हसीना। अरे एक मिनट क्या बाबा, ये तो ट्रक के पीछे जो लिखी होती है वैसी शायरी है। ओए पप्पू ब्रेका ला ठंड रख, वो मेनू भी पता है, इसके बाद जो बोलने वाला हो ना वो ओरिजिनल है। सुना, सुना, सुना। मालिक की गाड़ी ड्राइवर का पसीना रस्ते पे चलती है बनकर हसीना, जल्दी कितनी भी हो गाड़ी तेज मत चलाना, घर वाले इंतजार कर रहे हैं सही सलामत घर आना। रोशन ने कविता बोली ना तो अब मुझे भी एक कविता बोलनी है। एक रोज हस्बैंड ने कहा कि मुझे पार्टी शार्टी करनी है। ये तो सत्य घटना पर आधारित कविता लग रही है। एक रोज हस्बैंड ने कहा कि मुझे पार्टी शार्टी करनी है तो वाइफ बोली कर लो तुम्हारी जितनी मर्जी है। वाह वाह ऐसी वाइफ होनी चाहिए। नहीं ऐसी वाइफ होनी चाहिए नहीं ऐसा बोल रहा था। अगर ऐसा बीवी सच में कहे तो मजा आ जाए। पर ना ही बोला था ना। अरे रोशन भाभी ये क्या कविता सुना रही हैं आप? अरे नहीं नहीं आगल समझो नहीं, इट इज नॉट ओवर येट। एक रोज हस्बैंड ने कहा कि मुझे पार्टी शादी करनी है तो वाइफ ने कहा कि कर लो तुम्हें जितनी मर्जी करनी है लेकिन साथ में मेरी एक छोटी सी अर्जी है। तो हस्बैंड खुश
खुश होकर बोल पड़ा कि सर आंखों पर तुम्हारी सारी अर्जी है। तो वाइफ बोली कि अगर पार्टी शार्टी करनी है तो रात में सोफे पे सोना होगा, क्योंकि बीवी जाएगी मायके और खाना खुद को पकाना होगा। अगर रखना है तुम्हें अपनी बीवी को हस्ती रमती एंड गाती तो पार्टी शादी को करना होगा तुम्हें अपनी लाइफ से जाती। ओ ये तो भारी शर्त है। नहीं हाँ, ये कविता है कि धमकी? रोशन भाभी बहुत अच्छा सुना है आपने, चाय के नहीं कविता समझ पड़ी के नहीं? हाँ पड़ी पड़ी जोर से पड़ी। अच्छा इतना बढ़िया माहौल बनाया तो मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। आप भिड़े मास्टर, तुम्हारे अंदर भी एक कवि छुपा है। इनके अंदर तो शिक्षक, सेक्रेटरी, गायक बहुत कुछ छुपा है। वाह, तबे कौन बाहर आके क्या पेश करेगा? मैं कविता ही पेश करूंगा ना भाई। ओके ओके, तो सुनिए, हमारे जमाने के होली की बात ही निराली। वो गली में दोस्तों के साथ खेलना, वो छत से पानी फेंकना, गुब्बारों से धूम मचाना, बड़ों से खूब डांट खाना, वो सारी बातें मतवाली थी। हमारे जमाने के होली की बात ही निराली। स्कूल और कॉलेज में रंगों का ले जाना, टीचर से छिपकर और पकड़े जाने पर टीचर के साथ भी होली मनाना, दिल के हर मैल को रंग बिरंगी रंगों से साफ करना, ये सारी बातें मतवाली थी। हमारे जमाने के होली की बात ही निराली। क्या बात है भिड़े भाई, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि भिड़े एक्चुअली किस जमाने का है, चाचा जी बड़े हैं कि भिड़े बड़ा है। बहुत बढ़िया कविता थी, लेकिन इसका जवाब मेरे पास है। अरे वाह जवाब, ये तो होली का असली रंग चढ़ गया। हाँ होली में तो आमने सामने कविता हो उसी में मजा आता है। टपू सुना सुना टपू सुना, दे जोरदार जवाब। मैं कुछ ऐसा सुनाऊंगा जो आप सबके दिल को छू जाएगा। दिल? ये टपू कोई सोनू से रिलेटेड कविता ना बोल दे। हाँ सुनाओ सुनाओ, लेकिन टपू जो भी सुनाओगे ना वो होली से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ हाँ भिड़े अंकल, बुरा लगे तो माफ करना, अच्छा लगे तो शाबाशी देना। हाँ ते बगू आपन, हम नए जमाने के नए हैं नौजवान, हमारे दिल में सबके लिए प्यार है सबके लिए सम्मान। हम भले ही कंप्यूटर मेटावर्स एआई के हैं जानकार, हम ईश्वर और साइंस दोनों में मानते हैं, हमारे अंदर भी है संस्कार। थैंक यू माधवी आंटी। हाँ लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई कविता। क्यों, इसमें ना पसंद आने वाली कौन सी बात है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अप्रतिम कविता होती। वेरी गुड वेरी गुड, अब हमारी बारी। बस आया होली का त्योहार, होगी अब बुराई होगी यार, मन मुटाव को पीछे छोड़, दोस्ती के राव पर आगे बढ़, एक दूसरे का थामे हाथ, रंग गुलाल उड़ाए साथ, पिटकारी मारे मिठाइयां खाए, धमाल मस्ती के साथ आओ होली का त्योहार मनाए। मैं भी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ ये सुन भाई, ये थैंक यू। हाँ, हर कोई चाहता है कि उनके जीवन में कोई खास हो जो उनका ख्याल रखे और हमेशा उनके आसपास हो,
ये सोनू एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रही है? और मैं हूँ वो खुशनसीब क्योंकि मेरे पास है कोई ऐसा जो मेरे लिए खास भी है और हमेशा मेरे आसपास भी है, और वो है मेरे आई बाबा। आई लव यू आई, आई लव यू बाबा। अरे क्या बात है जरूर बड़ा, क्या बात है। लव यू बाबा, लव यू। कितनी जान, सभी कुछ ना कुछ सुना रहे हैं तो मैं भी कुछ सुनाना चाहती हूँ, इजाजत है? अरे आइए आइए, फरमाइए फरमाइए, आइए आइए अंजलि भाभी आइए। पेश है, गर्मी हो या सर्दी, ठंडी हो या धूप, करेला ककड़ी चुकंदर लौकी का बनाती हूँ मैं सूप। हेल्दी फूड खाने से निखरता है रूप, मेरे पतिदेव श्री तारक मेहता उसे पी जाते हैं गुपचुप। और उसी वजह से तारक की वाह वाह होती है खूब खूब खूब। मेरा दुख मैं ही जानता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी जानता हूँ मेहता साहब। अरे सुनिए सुनिए, सब लोग कुछ ना कुछ कविता सुना रहे, तो मैं भी एक कविता सुनाऊं। तो सुनिए, जिंदा रहने के लिए हवा पानी के संग संग मिठाई फरसान खाना भी है जरूरी। अगर तंदुरुस्त रहना है तो सिर्फ दवाई नहीं, कसरत करना और हंसना हंसाना भी है जरूरी। मैंने भी कुछ सोचा है, सुनाओ क्या? अरे अरे आजा दोस्त आजा। इरशाद इरशाद भाई इरशाद, क्या बात। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, कसम सोडा की हर किसी के जुबान पे रहता हूँ। दूध दही हो या चाय की पत्ती, सब फ्री होम डिलीवरी करता हूँ। बिल्कुल, हो पानी का प्रॉब्लम या हो लाइट जलानी, बस याद करना दो कदम की दूरी पे मिलता हूँ। सब मेरे दिल में रहते हैं और मैं सबके दिल में रहता हूँ। अब्दुल मियां सोला ने सही गल की तुसी ने। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल बिल्कुल। थैंक यू। बागेश्वर जी, मुझे भी दो पंक्तियाँ सुनानी है। अच्छा, अरे बावरे बेटा, तो किसी का नाम ठीक से नहीं बोलती है, तू क्या सविता सुनाएगी? सविता नहीं, कविता। देखा सेठ जी, बराबर बोला, प्लीज सुनाने दीजिए ना। ऐसा है तो हम दोनों साथ में सुनाएंगे, प्लीज। हाँ साथ में रह, तू साथ में रह। आई थैंक यू अब्दुल मियां, सुना ये बावरी जी। हाँ, पहले आप। नहीं नहीं, पहले आप। नहीं, पहले आप। पहले आप। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। सॉरी 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 सॉरी, सुनाइए ना बावरी जी। हाँ, बरसात में छतरी लेकर ना निकला करो, मौसम सुहाना है, थोड़ा भीग जाया करो। ऐसे तो सर्दी हो जाएगी। परेशानियां तो है सबकी जिंदगी में, बस हर बात पर मुस्कुराया करो। बाकी सेठ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बिना रोक तो मुझे दुकान आने दिया करो। मैं भी कुछ सुनाऊं प्लीज? अरे बबीता जी, सुनाइए सुनाइए बबीता जी, आइए आइए आइए। जिंदगी के समंदर में आए चाहे कितनी भी टाइड, टाइड ठंडी, टाइड यानी ज्वार, समंदर में लहर आती है ना, भरती। जिंदगी के समंदर में आए चाहे कितनी भी टाइड, मेरी स्माइल रहेगी बरकरार जब तक तुम हो बाय माय साइड। कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, मेरे साथ है मेरा बेस्ट गाइड, जो मेरा अच्छा दोस्त भी है और जिस पे है मुझे बहुत प्राइड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। वाह वाह बबीता जी, वाह बहुत बढ़िया, एक और बार हो जाए।
समझ में नहीं आया तुमको? अरे अच्छा लगा इसलिए बोला वंस मोर। फिर से कहा अय्यर, अभी तुम कुछ सुनाओ। हाँ यार भाई आप सुनाइए। नहीं 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 मैं नहीं, मेरे को नहीं आता है। बबीता ने बोला था मैं और बबीता तो एक ही है। जलालल अभी तुम्हारा बारी, तुम बोलो। अरे नहीं नहीं मैं कहाँ भाई, मुझे नहीं आता कविता बबीता ने। कम ऑन जेठा जी कुछ सुनाइए ना प्लीज। हाँ जेठालाल सुनाओ ना। अरे भाई मेरे परम मित्र हो, मेरी संगत का कुछ तो असर हुआ होगा। चलो ठीक है चलो। अरे अब कहाँ जा रही है, रुकिए ना। क्यों? मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। Come on जेठा जी, you don't need that. All the best. ठीक है तो दोस्तों मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन कविता सुनाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब जरा मन लगा के सुनिएगा, क्योंकि मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ उसमें आप सबके फायदे की बात है। फायदा? तो सुनिए। होली आई है, 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 सबके चेहरे पे खुशियां लाई है, खुशियां लाई है, खुशियां लाई है। होली खेलने से कपड़े हो जाएंगे रंग बिरंगी, तो जाहिर सी बात है जरूरी कपड़ों की धुलाई है, कपड़ों की धुलाई है, कपड़ों की धुलाई है। इसीलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वॉशिंग मशीन की खरीदी पर बढ़िया ऑफर लाई है, लाई है, लाई है। अरे लेकिन जयरालाल ये तो तुम्हारे दुकान या होली के सेल का स्लोगन लगता है। अय्यर भाई सही पहचाना, ये होली के सेल का ही स्लोगन है। ओ जयरालाल तुम कविता के नाम पे स्लोगन सुनाता है। देखो अय्यर भाई मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, और व्यापारी के लिए उसका स्लोगन ही उसकी कविता है भाई। हाँ हाँ अय्यर भाई ओ जनाबरा ओ अब फ्रिज में सुनाओ। हाँ जरूर, लेकिन सॉरी फ्रिज के साथ एसी भी आएगा, चलेगा? ओए फ्रिज हो या एसी, ओए दोनों ही चलेगा। और दोनों ही चिल्ड करते हैं, एक माहौल चिल्ड करता है और दूसरा लस्सी लस्सी चिल्ड करता है। तो देखते ही देखते अभी गर्मी की सीजन आएगी, देखते ही देखते अभी गर्मी की सीजन आएगी, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एसी और फ्रिज पे भी बढ़िया ऑफर लाएगी। क्या बात है सेठी, क्या बात है, वाह 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 जनाब राव, सवाल आ गया। अब और कौन सा प्रोडक्ट बचा है? अभी बताऊंगा नहीं, तुम लोग सुनो मजा आएगा। और अभी जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ वो उसके लिए मैं महिला मंडल को खास रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग खास सुनना, क्योंकि इस कविता पे मैं आप सबका तराजू चाहूंगा। तराजू नहीं जेठालाल, तवज्जो। वही वही वही। त्योहारों में अगर महिलाएं तरह तरह के पकवान बनाएगी, त्योहारों में अगर महिलाएं तरह तरह के पकवान बनाएगी, तो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिक्सर ग्राइंडर और ओवन पे तरह तरह की एक्सचेंज ऑफर लाएगी। क्या बात है, क्या बात है। भाई जेठालाल अब सिर्फ मोबाइल और टीवी बाकी रह गए, उस पे भी सुना दो। नहीं सिर्फ टीवी मोबाइल बाकी नहीं रह गए मेहता साहब, वैसे तो क्या चार्जर हेडफोन फिर वो वाटर प्रूफायर एयर फायर वो सब भी बाकी, वो सब पे अगली होली में कविता बनाएंगे। ठीक है अभी इतना काफी है, तो आ जाओ। थैंक यू सो मच आप सब लोगों को, आप सबकी वजह से आज बहुत मजा आया। अब हम ये हर साल कोशिश करेंगे कि होलिका दहन की रात को ऐसा कोई प्रोग्राम रखे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही प्रोग्राम होना चाहिए, बिल्कुल जीरो बजट प्रोग्राम।
सोसाइटी को एक रुपए का खर्चा नहीं। तो दोस्तों मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुला सोसाइटी का एक मेल सेक्रेटरी ये घोषित करता हूँ कि अभी का ये उत्स्फूर्त कवि सम्मेलन यहीं पर समाप्त होता है और सबसे निवेदन है कि कल सुबह ठीक टाइम पे होली खेलने के लिए कंपाउंड में आ जाए। क्या हो गया गुड्डू भैया, अकेले अकेले हंस रहे हो? मैं ये सोच के हंस रहा हूँ कि आज इस टप्पू की वजह से इसकी गोकुल धाम सोसाइटी इतना हंस खेल रही है और इस टप्पू की गलती की वजह से ही कल फूट फूट के रोने वाली है। हाँ, कल होली भी है, हमारा और तुम्हारा बदला पूरा होगा। हाँ, और उस टप्पू को समझ में आएगा कि गुड्डू रंगीला से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। दोस्तों फिलहाल आजकल सर्दी गर्मी और बारिश का मिक्स मौसम चल रहा है, ठीक वैसा ही कुछ गोकुल धाम में होने वाला है। जी हाँ, फिलहाल तो गोकुल धाम में मस्ती मजाक और कविता का माहौल चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द यानी कि कल गुड्डू टेंशन का कलर लेकर गोकुल धाम में आने वाला है। गोकुल धाम वाले बेफिक्र होकर होली खेलने वाले हैं, लेकिन गुड्डू हमारी फिक्र बढ़ाने वाला है। वैसे गुड्डू जो करने वाला है वो आसान नहीं है, मतलब हमारे गोकुल धाम में आकर सबके सामने सोनू को कलर लगाकर और बचकर निकल जाना नामुमकिन है, लेकिन इंसान के सर पर जब गुस्सा सवार होता है ना तो वो कुछ भी कर लेता है। अब देखना यह है कि क्या कल गुड्डू गोकुल धाम में आएगा, और अगर वो आ गया तो क्या वो सोनू को कलर लगा पाएगा या फिर टप्पू सेना गुड्डू पर भारी पड़ेगी। दोस्तों सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब में आपको ठाके ठाके मिलेंगे, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.